तो यहाँ से हम आ गए वेब में और यहाँ से हमने एक साइज ले लिया, ठीक है, और रेजोल्यूशन हमने 100 की रखी, ओके कर दिया, ये साइज हमारे सामने क्रिएट हो गया। तो अब ये जो बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस, तो ब्लेंडिंग ठीक है। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस में बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो, और दूसरा इम्पोर्टेंट है स्ट्रोक, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस हम जो है अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर भी, शेप्स पर भी, सब पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिए और मैंने आपके लिए आगे शेप्स भी क्रिएट कर दिए, यानी कि एक सर्कल बना दिया और मैंने आगे आपके लिए स्क्वायर बना दिया, ठीक है। ये शेप भी बना दिए और ये दोनों ऑप्शंस भी क्रिएट कर दिए कि भाई शेप्स पर भी अप्लाई हो सकता है और इस पर भी अप्लाई हो सकता है, जिस पर चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ड्रॉप शेडो को जरा स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि ड्रॉप शेडो कैसे काम करता है। अगर हम ड्रॉप शेडो की बात करें तो इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इफेक्ट्स पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाके यहाँ मिलेगा हमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस। जैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे लेगा तो सबसे लास्ट ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे शेड आ जाएगा। अब यहाँ पर शेड जब आ जाएगा तो क्लिक करके जैसे आप ओके करेंगे तो उसके साथ एक इफेक्ट्स का ऑप्शन ऐड हो जाएगा और उसमें लिखा रहा होगा ड्रॉप शेडो। अब ये जो ड्रॉप शेडो आ रहा है सर टेक्स्ट लेके, अगर हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करें, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, सपोज टू बी हम यहाँ से ग्रे कलर कर देते हैं और उसको ओके कर देते हैं, तो ये देखें इस तरह का कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है टेक्स्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इस शेडो पे अगर हमें मजीद काम करना है तो डबल क्लिक करें शेडो पे और ड्रॉप शेडो पे चले जाएं। मजीद अंदर जो ऑप्शन है इसके अंदर वो ऑपेसिटी है, मतलब शेड कितना लाइट हो कितना डार्क हो, ठीक है, वो यहाँ से डिसाइड करेंगे आप। फिर है यूज ग्लोबल लाइट, इससे चेक हटाते हैं। फिर है एंगल, इस एंगल शेड का एंगल क्या हो, मतलब शेड पीछे की तरफ नजर आए, आगे की तरफ नजर आए, नीचे की तरफ नजर आए, ऊपर की तरफ नजर आए, या इस तरह से शेड में नजर आए, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। फिर उसका साइज कितना साइज हो, उसका एक्सपेक्ट लेवल क्या हो, ठीक है, वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। फिर स्प्रेड कितना करे, कितना डार्क और कितना लाइट हो, तो ये यहाँ से डिसाइड करेंगे। डिस्टेंस कितना हो टेक्स्ट है उसका, उसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे। फिर आते हैं नॉइस, वो जो फिर पीछे थोड़ा सा जो पिक्सल है वो पिक्सलेटेड कैसे कितना करना है, इस तरह की शेड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप शेडो को यूज इजीली कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे ड्रॉप शेडो से इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब यही इफेक्ट अगर आप शेप पे लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, जैसे सर्किल शेप पे लगाते हैं इफेक्ट या ड्रॉप शेडो पे गए और हल्का सा शेड देने के लिए आपने जस्ट ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखिए इसका शेड एक्टिवेट हो गया। शेड एक्टिवेट हुआ राइट साइड पर, मुझे चाहिए शेड इस साइड पर, तो यूज ग्लोबल लाइट से चेक हटाना है और एंगल की पोजीशन को अपोजिट डायरेक्शन पे कर देना है, और इस तरीके से आप इसका जो शेड है वो इस साइड पे चाहें वो सेट कर सकते हैं। साइज और स्प्रेड लेवल आप इसे बता सकते हैं। तो इतने से इफेक्ट के साथ देखें आपका जो जो ऑब्जेक्ट था वो कितना ज्यादा बेहतर हो गया, ठीक है। अब अगर इफेक्ट्स ऑफ करके देखने तो यहाँ से ऑफ कर दें इसको, ऑन कर लें, और यहाँ पर जाके इफेक्ट्स को ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर लें और ऑन करके भी देख सकते हैं। इफेक्ट्स को रिमूव करना है तो उस पर राइट बटन दबाएं जिस पे इफेक्ट है, उसको कहेंगे क्लियर क्लियर स्टाइल, ठीक है। और अगर आपको इफेक्ट्स कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो इसको करेंगे कॉपी, और जिस पर अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे और उस पर राइट बटन दबाएंगे, कहेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल, जैसे करेंगे तो उस पर भी वही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा जो कि इस पर अप्लाइड था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप शेडो। अब चलते हैं स्ट्रोक की तरफ। अब स्ट्रोक में क्या है कि भाई जैसे आउटलाइंस को हम स्ट्रोक कहते हैं, कैसा स्ट्रोक आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रोक में आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो भी टेक्स्ट है जिसको स्ट्रोक लगाना है, जैसे इसको स्ट्रोक लगाना है, अब पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है ये ब्लैक है तो इस पर स्ट्रोक हमें मजा नहीं करेगा, तो हम इसका करते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज। तो यहाँ पर हम इसका क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं। अब लाइट पे जब लाइट कलर देंगे ना आप, तो अब आपको स्ट्रोक देने में मजा आएगा। जैसे हाँ ऐसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, जैसे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक से देखें कितना खूबसूरत टेक्स्ट बन गया, इतने से स्ट्रोक से, स्ट्रोक डार्क कलर का है, ठीक है ना। अब इसमें आप डार्क ब्लू भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे डार्क ब्लू ले लें, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके इसके स्प्रेड साइज को बढ़ा लें और यहाँ से क्लिक करके इसको डार्क रेड कलर में दे दें, तो इस तरह से बना दें। अब स्ट्रोक जो है ना दो साइड पे फैलेगा, आउटसाइड पे भी फैलेगा इन साइड पे भी फैलेगा। अभी हमारी टाइप है आउटसाइड, अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो टेक्स्ट के बाहर की तरफ फैलेगा, तो इस तरह का इफेक्ट ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको कम करेंगे तो यहाँ से कम भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको इनसाइड कर देंगे तो ये स्ट्रोक अंदर की तरफ फैलेगा, यानी कि
ये अंदर की तरफ फैलेगा, समझ में आ रही है। और अगर आप इसको आउटसाइड करेंगे तो ये स्टॉक दोनों साइड पर फैलेगा इस तरीके, अंदर भी और बाहर में, इस तरह से आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो अब आप डिसाइड करना है कि आपको ये अंदर की तरफ अप्लाई करना है, बाहर की तरफ अप्लाई करना है, या अंदर बाहर दोनों अप्लाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर चले बाहर तो हम अप्लाई कर देंगे, आउटसाइड कर दिया, तो इनसाइड कहाँ पे करेंगे? तो इनसाइड करेंगे टैक्स भी खा जाएगा, बाजू का टैक्स पे अप्लाई करने पर ऐसा और होता है, लेकिन देखिए हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका देखिए आउटसाइड नहीं है, तो इस पर जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इफेक्ट्स में जाके स्ट्रॉक, तो जैसे स्ट्रॉक लगाएंगे इसके ऊपर आउटसाइड का, तो इस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका बाहर का कोई साइड है ही नहीं, आउटसाइड में कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे, इनसाइड या फिर सेंटर? ये देखिए इनसाइड पे देखिए कितना जबरदस्त स्ट्रॉक के ऊपर अप्लाई हो रहा है। फिर स्ट्रॉक भी सॉलिड कलर में भी है, स्ट्रॉक ग्रेडियंट में भी है। अगर आप ग्रेडियंट स्ट्रॉक लगाना चाह रहे हैं तो ये ग्रेडियंट बने बनाए हैं, आप इस पर से जो भी स्ट्रॉक लगाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, लाइट पे डार्क, डार्क पे लाइट। हाँ बनाना हो वैसे इसमें बने बनाए ग्रेडियंट काफी सारे स्पेशल इफेक्ट्स में मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। अगर हमें बनाना है तो फिर यहाँ क्लिक करना होगा और फिर ये सारे स्टॉप्स आ रहे हैं, और फिर हम इसका एक स्टाइल लें, कम से कम भी दो स्टाइल तो आपके पास स्टॉप्स होने चाहिए जिसमें आप कलर्स भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके और उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके कोई भी अपना स्टाइल से यहाँ से ग्रेडियंट बना लें, ओके कर दें, तो इस तरह का ग्रेडियंट इसके ऊपर आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ओके कर दें, फिर इसी तरह से स्ट्रॉक पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके अब जैसे इस पर डार्क कलर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्ट्रॉक को अच्छे तरीके से बनाने के लिए कि हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें और इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ओके कर देते हैं, और इसको ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके कर देते हैं, फिर ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाके इसको क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको एक हल्का सा ड्रॉप शैडो देते हैं। तो देखिए इस तरह से भी एक इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, देख रहे हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप इसको स्ट्रोक दे दें, और स्ट्रोक देंगे तो फिर इसको क्लिक करके यहाँ से साइज को एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसा भी एक इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अब वो चाहे आप ब्लैक पे कर रहे हैं, रेड से कर रहे हैं, डार्क ब्लू से कर रहे हैं, या फिर आप इस पर डार्क ऑरेंज कलर अप्लाई कर रहे हैं इस तरह का, तो इस तरह की चीजें भी आप दोनों के मिक्सचर से भी बना सकते हैं। क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा स्प्रेड लेवल हाइट करेंगे तो यहाँ से ये चीज इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, ऑपेसिटी से स्किन गहरा कितना लाइट होता है, तो ये देखें इस तरह के शेड्स भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। अब स्ट्रोक की अगर बात करेंगे, शेप्स पे स्ट्रोक देना है तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, शेप्स के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे, और कहाँ पे अप्लाई करना है, इनसाइड अप्लाई करना है, तो इनसाइड करके फिर आप इसके साइज को एक्सटेंड करेंगे, तो ये देखिए अंदर की तरफ बढ़ेगा। और अगर इसी को आप ग्रेडियंट कर देंगे तो फिर देखें इस तरह का शेड बन जाएगा। और फिर यहाँ से अगर आप कोई और इफेक्ट्स लेना चाहें, जैसे कि हमारे पास स्पेक्ट्रम्स है, सिंपल इफेक्ट्स हैं, तो यहाँ से उन इफेक्ट्स को भी ले सकते हैं। फिर उनके स्टाइल्स हैं लीनियर में, रेडियल में, रेडियल में अप्लाई करेंगे तो देखें लाइट थोड़ा यहाँ रहेगा और साइडों में डार्क रहेगा। अच्छा, इसी तरह के अगर आप इसको इफेक्ट देते हैं इस तरह का, तो देखें इस तरह का इफेक्ट नहीं पाएगा रेडियल के ऊपर, ठीक है। इसके स्केल को कम करेंगे तो कौन सा कलर कम रहना है, कौन सा ज़्यादा रहना है, तो लाइट को एक्सटेंड करना है, ज़्यादा करना है, तो इस तरह से वो एक्सटेंड किया जा सकता है इस पर क्लिक करके। अगर रेड कलर पर हम लगा रहे हैं तो रेड कलर का भी कॉम्बिनेशन इस तरह का बनेगा, पिंक कलर का कॉम्बिनेशन भी इस तरह का बनेगा, येलो का कॉम्बिनेशन भी इस तरह का बनेगा, ब्लू का कॉम्बिनेशन भी इस तरह से बनेगा, और इसको क्लिक करके आप जैसे ओके करेंगे तो ये स्ट्रोक्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो नेज अगर आपको अपने किसी भी शेप को या टेक्स्ट को थोड़ा सा रिवील करना है, थोड़ा सा उसको उभारना है, आगे लेकर आना है उसको, तो आपको ड्रॉप शेडो और स्ट्रोक का बेहतरीन इस्तेमाल आना चाहिए, जिससे एक सिंपल सा टेक्स्ट भी जो है वो बड़ा एडवांस नजर आने लग जाएगा और आपके पोस्टर और बैनर में काफी सारी जान भर देगा उसके अंदर, ठीक है।